सनातन धर्म में सप्ताह के सभी दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना गया है। मंगलवार के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन लोग विधि पूर्वक बजरंग बलि की पूजा करते हैं, साथ ही व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में शनि दोष समाप्त होता है, साथ ही अन्य दोषों से भी मुक्ति मिलती है, जीवन के संकटों से भी आपको छुटकारा मिलता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की। दोस्तों, अगर आप भी बजरंग बलि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन भी आप सच्चे मन से सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन दिनों में सुंदर कांड का पाठ सुनते हैं या करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, क्योंकि हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सुंदर कांड का पाठ करते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो आप जो पूजा कर रहे हैं आप अपने ग्रहों को सुधारने के लिए, हो सकता है कि उसका उल्टा असर भी आप पर पड़ जाए। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि सुंदर कांड का पाठ करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन से हैं वो नियम। तो दोस्तों, अगर आप सुंदर कांड का पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप हर दिन सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। सुंदर कांड का पाठ करने से पहले आप स्नान अवश्य करें, इसके बाद साफ कपड़े धारण करें और हनुमान जी के सामने बैठकर विधि पूर्वक सुंदर कांड का पाठ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप समूह में भी, यानी कुछ लोगों के साथ भी आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता भी है कि अगर आप सुंदर कांड का पाठ 11, 21, 31 या 41 दिन तक करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ सुंदर कांड का पाठ करने के कौन से लाभ होते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से साधक के अंदर सकारात्मक विचारों का संचार होता है, यानी अगर आप सुंदरकांड करते हैं तो आपके जीवन में जो भी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है, जिससे आप परेशान रहते हैं, आपके मन में बहुत ही गलत ख्याल आते हैं, तो वो सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और 21 दिनों तक अगर आप लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके मन में जो भी भय है, चाहे वो शत्रु से जुड़ा हो या बीमारी से जुड़ा हो या फिर किसी भी तरीके का भय हो, वो है दूर हो जाता है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो। साथ ही अगर आप किसी भी कर्ज से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से कोई कर्ज चला आ रहा है, चाह करके भी नहीं चुका पा रहे हैं, तो अगर आप सुंदर कांड का पाठ 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो इस परेशानी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने के नियम और इसके लाभ मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसको एक लाइक ज़रूर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सभी जानकारियों को जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। जय श्री कृष्णा।